हमारे यहां हकीम खान सूरी भी हो गए, इब्राहिम खान गार्दी भी हो गए, हसन खान मेवाती भी हो गए। सेना के वीरों में सबके नाम है। अशफाक उल्ला खान जैसे क्रांतिकारी हो गए। सुनता हूं कि जब उनको पूछा गया एक बार कि आपकी इच्छा क्या होगी मरते समय, तो उन्होंने कहा कि मैं मुसलमान हूं इसलिए पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता हूं, लेकिन मेरे परम मित्र राम मिश्रा बिस्मिल है वो विश्वास करते हैं। अगर उनकी बात सही है तो खुदा जरूर मुझे पूछेगा कि अगला जन्म कहां लेना है, तो मैं कहूंगा भारत में ही। ऐसे नाम बहुत है हमारे पास, उनके नाम गूंजने चाहिए, उनके नाम दिए जाने चाहिए। अभी मैं जम्मू कश्मीर से आया तो वहां पता चला कि ऐसे शहीदों के नाम वहां के स्कूलों को देने की एक योजना चली है, बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि हमारे आदर्श वो है। हमारी पूजाएं अलग हो सकती है, परंतु पूजा हुई तो क्या हुआ, हमारे पूर्वज तो वही है, वो तो नहीं बदल सकते। हम मातृभूमि हम नहीं बदल सकते, जो भारत का है उसकी सुरक्षा प्रतिष्ठा भारत के ही साथ जुड़ी है। विभाजन के बाद भारत से स्थलांतर करके पाकिस्तान में गए मुसलमानों की प्रतिष्ठा पाकिस्तान में भी नहीं है, क्योंकि जो भारत का है वो भारत का ही है, वो बदल नहीं सकता। और हम सब पर एक उदारवादी संस्कृति, उदारवादी यानी उदारतामय संस्कृति का सब पर परिणाम है, उसी की विरासत हमको आगे ले जाती है, उसी के कारण हम सब लोग यहां मिलकर रह रहे हैं। सावरकर जी शुद्ध वैज्ञानिक मनोवृत्ति के थे, अभी बताया सावरकर जी यानी तर्क, किसी भी बात को उन्होंने आंख मूंद कर स्वीकार नहीं किया, प्रत्यक्ष अनुभव के धरातल पर और बुद्धि के तर्क के आधार पर जो सत्य उनको प्रतीत हुआ उन्होंने बेबाक कहा, परिणामों की चिंता नहीं की, मेरा क्या होगा इसकी बिल्कुल चिंता नहीं की, उनका जीवन तो मेरा क्या होगा इस थीम पर चलने वाला जीवन था ही नहीं। स्कूल में पढ़ते समय उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि देश की स्वतंत्रता के लिए सर्वस्व समर्पण करके मैं जीवन जीऊंगा, तो उन्होंने कहा है उनकी उस कविता में जिसको चिरायुजी ने उद्धृत किया, दीप्ता नलात निज मातृ विमोचनार्थ हा स्वार्थ जाड़ूनी अमी थरलो कृतार्थ। मातृभूमि के मुक्ति का ये जो प्रज्वलित अग्नि है उसमें हमने स्वार्थ को जला दिया और कृतार्थ हो गए, और इसका कोई पश्चाताप नहीं। मेरा बड़ा भाई वो जेल में है, उसकी तुम्हारे वेदी पर बलि चढ़ रही है, छोटा मैं स्वयं भुगत रहा हूं, छोटा भाई भी कारावास में है, लेकिन ये क्या है, हम अगर सात भाई होते तो सब तुम्हारे ही ठंडेल पर हम बलि देते। उस कविता का नाम है मृत्यु पत्र। अंडमान से उन्होंने अपने भाभी को भेजा, वापस आएंगे कि नहीं आएंगे पता नहीं, तो पत्र लिखते थे और प्रतिभाशाली थे, ओजस्वी कविता, तो वो कविता उन्होंने लिखी, उसमें सब विचार ऐसे ही है। ऐसे प्रखर व्यक्तित्व वाले सावरकर जी वो किसी बात को आंख मूंद के स्वीकार नहीं करते थे, उन्होंने बहुत चिंतन किया, परिस्थिति का चिंतन किया। आप ये मत समझिए कि मुसलमानों के शत्रु थे, उनकी उर्दू गजलें भी है एक से एक। अंडमान में वहां के बंदियों को उन्होंने अपनी उर्दू गजलें भी सुनाई, वहां मुसलमान बंदी भी थे, स्वातंत्रवीर भी थे, तो इतना उनका अध्ययन निरीक्षण था और सबके मनों को वो जानते थे, तो सज्जनों से कैसा व्यवहार करना और दुर्जनों से कैसा व्यवहार करना आता था। मुख्य पाला उनका दुर्जनों से पड़ा, तो उनकी भाषा वैसी हो। स्वतंत्र भारत हुआ तब उन्होंने कहा कि युवाओं का मिलिटराइजेशन होना चाहिए क्योंकि हमको लड़ना पड़ेगा, एक तो देश खंडित हुआ है, शांति के लिए देश के विभाजन को हमने मान्यता दी लेकिन ये सदा की झंझट मोल ली हमने, अब हमको शांति नसीब नहीं होगी, इसलिए तैयार रहना पड़ेगा। उस समय भारत के शायद
संरक्षण विभाग में विचार ये चला था कि अब तो सेना की कुछ आवश्यकता नहीं, तो क्यों ना कुछ फैक्ट्रीज लगाई जाए जिसको सेना चलाए, और 62 में दिखा दिया सेना की कितनी आवश्यकता है। तब से बातें बदली, लेकिन अभी अभी तक यही चल रहा था कि सुरक्षा नीति चलेगी परराष्ट्र नीति के पीछे पीछे, इसलिए कोई कुछ कर रहा है नहीं नहीं नहीं, नहीं चुप रहो क्योंकि दुनिया क्या कहेगी। अब 14 के बाद पहली बार अनुभव आ रहा है कि परराष्ट्र नीति सुरक्षा के पीछे पीछे चलती है। तो अगर लोगों को लगता है कि ये सावरकर जी का युग आ रहा है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि ये देशभक्ति का युग है, ये अपने राष्ट्रीयता के गौरव और असली पहचान का युग है, ये अपने देश के सब लोगों को उनके जाति धर्म पंथ भाषा प्रांत को बिना देखे कर्तव्य और अधिकार दोनों में बराबरी की भागीदारी सिखाने वाला युग है। हिंदुत्व का अर्थ यही होता है ना, हिंदुत्व का अर्थ पूजा से संबंध जो है तो पूजाएं अनेक हैं, देर आर मेनी रिलीजन्स भारत में, और वो अपना अपना है। अभी नवरात्रि चल रही है, आप में से कुछ लोगों ने व्रत रखा है कुछ लोगों ने नहीं रखा है, तो व्रत रखने वाले पुण्यवान है और नहीं रखने वाले पापी है ऐसा तो हिंदू नहीं मानता। आप में से कुछ लोग हैं जो शाक्त नहीं है, वो गणपति जी की उपासना करते, उन्होंने उपवास उस समय कर लिया अब नहीं कर रहे, तो वो कोई विरोधी तो नहीं हो गए। हिंदुत्व का विचार यह है कि भाई अस्तित्व मूल में एक है और अलग दिखने से आदमी अलग नहीं होता। बाकी दुनिया कहती है एक होना है तो एक सा होना चाहिए, यूनिटी इज नॉट पॉसिबल विदाउट यूनिफॉर्मिटी। हमारे यहां बिल्कुल अलग विचार है, हम कहते हैं विविध होना, अरे हमारा आनंद है, हमारा उत्सव है, हमारा अधिकार भी है, सृष्टि का श्रृंगार भी है। भगवान को लगा मैं एक हूं अनेक हूं इसलिए तो सृष्टि उत्पन्न हुई, तो हम अनेक हो रहे हैं, आनंद की बात है, लेकिन हम विशिष्ट है विविध है अनेक है इसका मतलब हम अलग है ये बिल्कुल नहीं होता। एग्जिस्टेंस इज वन, केवल मानव नहीं चराचर सृष्टि, जो विज्ञान भी आज सिद्ध कर